उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। वार्ड आरक्षणों पर मंथन लगातार जारी है। शुक्रवार को तिगरी गंगा मेले के शुभारंभ के चलते वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव अंतिम रूप नहीं ले पाया, लेकिन बहुत जल्द ही निकाय चुनाव के वार्ड आरक्षण पर अंतिम मुहर लगकर सबके सामने आ जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि दिसंबर माह के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव में जीते प्रत्याशियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसी क्रम को देखते हुए सरकार के आदेश के अनुसार जनपद अमरोहा में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रस्तावित आरक्षण में कुल 196 वार्ड अभी तक आरक्षित प्रस्तावित किए गए हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। वार्ड आरक्षण पर मंथन चल रहा है। शुक्रवार को तिगरी गंगा मेले के शुभारंभ के चलते वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव फाइनल नहीं हो सका। इसे अंतिम रूप देकर जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। अमरोहा जनपद में 5 नगर पालिका व 4 नगर पंचायतों सहित कुल 9 नगरीय निकाय हैं। शासन की गाइडलाइन के अनुसार वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष पद का आरक्षण शासन स्तर से किया जाएगा। शुक्रवार को दिनभर विभागीय अधिकारी कर्मचारी वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने में जुटे रहे। देर शाम तक वार्ड आरक्षण पर मंथन जारी रहा, लेकिन प्रशासनिक अमला के व्यस्त होने पर शुक्रवार को अंतिम मुहर नहीं लग सकी, लेकिन जल्द ही वार्ड आरक्षण के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। इसके बाद ही प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। जनपद अमरोहा में निकाय चुनाव के नगर पालिका अमरोहा में वार्डो की संख्या 40 है। नगर पालिका हसनपुर में वार्डो की संख्या 25 है। नगर पालिका धनौरा में वार्डो की संख्या 25 है। नगर पालिका बछरायू में कुल वार्डो की संख्या 25 है। नगर पालिका गजरौला में वार्डो की कुल संख्या 25 है, जबकि नगर पंचायत जोया में वार्डो की कुल संख्या 12 रही, तो वहीं नगर पंचायत नौगावा सादात में 16 है, जबकि नगर पंचायत उझारी व नगर पंचायत सैद नगली में कुल वार्डो की संख्या 14 है। जनपद में 5 नगर पालिका व 4 नगर पंचायतों सहित कुल 9 नगरीय निकाय हैं। इनमें कुल 196 वार्ड हैं। अमरोहा में मानक के अनुसार आरक्षण चक्रानुक्रम व 2011 की आबादी के आधार पर किया जा रहा है। इसमें पहले अनुसूचित जाति SC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जा रहे हैं। इसके बाद पुरुष के लिए वार्ड आरक्षित हो रहे हैं, बाकी को सामान्य रखा जा रहा है। इसमें आबादी के 21% पर SC, 27 पर OBC और 33 पर महिलाओं का ध्यान रखा जा रहा है। प्रथम TV News इंडिया अमरोहा उत्तर प्रदेश।